वालेकुम, सास बहू की जिंदगी में आप सबका स्वागत है। आ जाइए। आज मैं अकेले ही रेसिपी बनाने वाली हूँ क्योंकि मम्मी नहीं है, मम्मी गए हैं आउट ऑफ मुंबई। जैसे कि लास्ट व्लॉग में हमने आपको बताए थे कि मम्मी कहीं जाने वाले हैं, तो वो गए हैं आउट ऑफ मुंबई अभी। तो आज मैं जो रेसिपी बनाने वाली हूँ वो है चिकन पॉपकॉर्न। ये रेसिपी कुछ स्ट्रिप्स की तरह ही है जो मैंने बहुत पहले ना स्ट्रिप्स, चिकन स्ट्रिप्स की रेसिपी बनाई थी, कुछ सिमिलर वैसे ही है, बट इसमें जो है मसाले थोड़े अलग है। तो आप देखना और इस तरीके की रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ओके। और मैं शूट भी कर रही हूँ, बना भी रही हूँ, तो देखते हैं ये कैसे बनता है व्लॉग। चलो फिर स्टार्ट करते हैं। गाइस देखिए, ये हाफ के जी चिकन है, बोनलेस चिकन, और मैंने इसको ये स्मॉल पीसेस में कट करके रख दी हूँ, ओके, क्योंकि ये चिकन पॉपकॉर्न बनने वाला है। और मैंने इसको अच्छे से वॉश करके ना पानी ड्रेन आउट होने के लिए रख दी थी। तो अब इसमें ना हमारे सारे मसाले जाएंगे। मैं इसमें डालूंगी 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक का पेस्ट, और इसमें जाएगा हरा मसाला 1 टेबलस्पून ही जाएगा, ये जाएगा ब्लैक सॉस, सोया सॉस ये 1/2 टेबलस्पून है, और विनेगर जाएगा 1 टेबलस्पून, और इसमें जाएगा नमक, जो कि सॉसेस में नमक होते हैं, तो मैंने ब्लैक सॉस डाली हुई इसमें, तो मैं नमक भी थोड़ा कम ही डालूंगी इसमें, बहुत ज़्यादा नमक नहीं जाएगा। चाहिए तो आप चख के देख लेना, अगर आपके स्वाद के हिसाब से नहीं है तो आप नमक इसमें बाद में बढ़ा भी सकते हो। अब इन चीज़ों को मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी, और मैरिनेट के लिए अगर आपके पास जितना भी टाइम है, 1/2 आवर 1 आवर 2 आवर, तो आप इसे मैरिनेट भी कर सकते हो अच्छी तरीके से, ओके। तो ये सब मैं अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ और फिर उसके बाद आपसे मिलती हूँ। चिकन हमारा अच्छी तरीके से मिक्स हो चुका है, अब मैं इसे मैरिनेट होने के लिए छोड़ दूँगी। मेरे पास अभी ज़्यादा टाइम तो है नहीं क्योंकि ये रात के डिनर के लिए मैं बना रही हूँ, तो मैं 1/2 आवर इसे अच्छे से मैरिनेशन के लिए छोड़ दूँगी। अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है, 1 आवर 2 आवर कितने भी आवर्स, तो आप रख दीजिए, ओके। तो चलो फिर अभी मैं इसकी कोटिंग कैसे रेडी करते हैं वो बताती हूँ। पॉपकॉर्न की कोटिंग के लिए मैंने यहाँ पर मैदा ले ली हूँ, आप अपने चिकन की क्वांटिटी के हिसाब से मैदा लीजिएगा। और इसमें हम कोट करने के लिए ना मसाले मैदे में अच्छे अच्छे मसाले डालेंगे, जिससे हमें टेस्ट भी काफ़ी अच्छा आएगा। तो मैं सबसे पहले इसमें डालूंगी ब्लैक पेपर पाउडर 1/2 टेबलस्पून, और इसमें जाएगा चाट मसाला 1/2 टेबलस्पून वो भी, ओके। और ये दो चीज़ तो इसमें इम्पॉर्टेंट है ही, और इसके साथ साथ इसमें जाएगा थोड़ा सी नमक, मैदे के हिसाब से आप थोड़ा सी नमक लीजिए, ज़्यादा नमक नहीं होना चाहिए, मैंने थोड़ा सी ही ली हूँ, 1/2 टेबलस्पून से भी थोड़ा कम ही ली हूँ नमक। और इसमें जाएगी जिंजर गार्लिक का पेस्ट, बहुत ज़्यादा नहीं क्योंकि ये ऑलरेडी गीला होता है, तो इसमें हमें थोड़ा सी ही डालना है, तो ये 1/2 से भी 1/2 मैं डाल रही हूँ, देखिए, ओके। अगर आपको बहुत कम लग रहा है आपके मैदे की क्वांटिटी के हिसाब से, तो आप थोड़ा सी और लीजिएगा, बट ये जो है पेस्ट नहीं बनना चाहिए, गीला नहीं होना चाहिए, ओके। अब इसको मैं अच्छी तरीके से मिक्स कर लूँगी स्पून से, मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। अगर आपको स्पून से नहीं जम रहा है तो आप हाथ से भी कीजिए, चलेगा। तो गाइस 1/2 आवर हो चुके हैं चिकन को मैरिनेट होके, और मैदे की कोटिंग उसके ऊपर जो जाएगी, जिसमें मैंने जिंजर गार्लिक का पेस्ट और दो चीज़ और ऐड की थी, तो वो भी मैं आपको बताती हूँ, वो बिल्कुल भी गीला नहीं हुआ है, वो भी ड्राई ही है, और वैसे ही रख के हमें ऊपर कोटिंग करनी है मैदे की। तो फिर चलो फिर स्टार्ट करते हैं, और हमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें लगेगी, वो है ठंडा पानी, ठीक है, तो वो भी मैं ले ली हूँ। तो फिर चलो फ्राइंग स्टार्ट करते हैं। मैदा जिसके बारे में मैं आपको बता रही थी, मसाले मिलाने के बाद भी किस तरीके से ड्राई है, तो ये ऐसे ही ड्राई रहना चाहिए। फिर से मैं कहूँगी कि आपको इसे गीला बिल्कुल भी नहीं होने देना है, तो अदरक लहसुन का पेस्ट ज़्यादा नहीं मिलाना, लिमिट में ही आपको मिलाना है, ओके। और जो हमें लेना है इसमें लगेगा ठंडा पानी, ठंडा पानी भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, मैं इसमें ठंडे पानी में डिप करके फ्राई करने वाली हूँ। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं एक चिकन के पीस को ले लूँगी और इसे मैं डालूँगी मैदे में, और अच्छी तरीके से इसे कोट कर लूँगी, हाथ की मदद से ज़्यादा अच्छे तरीके से कोट होता है ये गाइस, देखिए इस तरीके से थोड़ा हमें इसे प्रेस करना है ऐसे, ठीक है, और इसे ऐसे झटक लेना है ताकि एक्सेस जो मैदा है वो निकल जाए, और इसे हम डालेंगे ठंडे पानी में। ठंडे पानी में हमें इसे 5 सेकेंड तक रहने देना है, और फिर इसे निकाल के वापस से हमें मैदे में डालना है, ओके। तो अभी 5 सेकेंड्स हो चुके हैं, अब मैं इसे वापस निकालूंगी और अगेन हम इसे डाल देंगे मैदे में,
मैदे में हम अच्छी तरीके से कोट कर लेंगे वापस से, हाथों की मदद से प्रेस करेंगे, देखिए इस तरीके से। और हम एक्सेस मैदा निकाल देंगे, देखिए ऐसा हो चुका है। और मैंने तेल भी गर्म होने के लिए रख दी थी तो वो हो चुका है, और फ्लेम को स्लो रखते ही मैं इसे यहाँ पे तेल में डाल दूंगी। और सारे चिकन पॉपकॉर्न को हमें ऐसे ही फ्राई करना है स्लो फ्लेम पे रख के, ताकि चिकन अंदर से अच्छे तरीके से पक जाए और हमें सब टेस्ट भी अच्छा मिले। ओके, तो मैं सारी कोटिंग ऐसे ही करके फ्राई करती हूँ और फिर आपको बताती हूँ। और डोर पे भी कोई आ गया है गाइस, तो मैं आपको मिलती हूँ थोड़ी देर में। तो गाइस देखिए चिकन पॉपकॉर्न किस तरीके से फ्राई हो रहे हैं। चिकन पॉपकॉर्न के जो पीसेज हैं मैंने थोड़े से बड़े ही रखी हूँ, क्योंकि हमें बड़े पीसेस ज़्यादा अच्छे लगते हैं। बहुत छोटे तो बहुत ही ज़्यादा छोटे हो जाते हैं, तो खाने में कभी मज़ा नहीं आता। तो बहुत भी छोटे नहीं और बहुत भी बड़े नहीं रखी हूँ, तो आप इस तरीके से पीसेस रख के इसे फ्राई कर सकते हो। तो यहाँ के जो पीसेस हैं वो हो चुके हैं, मैं टर्न करती हूँ। आहिस्ते आहिस्ते से आप टर्न कीजिए, फ्लेम देखिए स्लो ही है। जो फर्स्ट पीस मैंने डाली थी ना गाइस, वो हो चुका है, ये देखिए। इस तरीके से आपको सारे चिकन पॉपकॉर्न को फ्राई करना है। ओके, मैं इसे निकाल देती हूँ। अब ये तो वाइट आपको दिख रहे हैं, ये आहिस्ते आहिस्ते हो जाएंगे। थोड़ी थोड़ी देर पे आपको इसे ना टर्न करना है। ओके, तो ये एक साइड से पहले हो जाए, उसके बाद मैं टर्न करूँगी और ऐसे ही करके। और हाँ, सबसे पहले इम्पॉर्टेंट, इसे आपको गोल्डन ब्राउन ही करना है। ओके, जब ये गोल्डन ब्राउन होगा तभी आपको खाने में मज़ा आएगा। अगर ये क्रेमिश होगा ना तो आप खाओगे तो इतना मज़ा नहीं आएगा, क्योंकि जब गोल्डन ब्राउन का जो टेस्ट होता है ना वो काफ़ी अच्छा होता है। ओके, तो ये जब हो जाए फ्राई उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ। कि चिकन पॉपकॉर्न है बनके तैयार, इसे मैंने गोल्डन ब्राउन ही फ्राई करी हूँ। ओके, अब मैं इसमें डालूँगी पेरी पेरी मसाला। ये पेरी पेरी मसाला ऑप्शनल है, अगर आपको डालना है तो आप डाल सकते हो, अगर आपको नहीं डालना तो आप नहीं डालिए। ओके, तो इसमें ऊपर जाएगा पेरी पेरी मसाला। मेरे घर में सबको तेज़ खाना पसंद है, तो मैं इसमें पेरी पेरी मसाला ज़्यादा ही डालूँगी, आप अपने हिसाब से डालिए। और ये देखिए टेस्टी चिकन पॉपकॉर्न बन के है तैयार। अब मैं इसे टेस्ट कैसे करूँ, तो मैं ही टेस्ट करके आपको बताती हूँ कि ये कैसे लग रहा है। तो चलो फिर टेस्ट करते हैं। टेस्ट करने से पहले मैं आपको इसे ओपन करके दिखा देती हूँ। तो ये हम एक पीस ले लेंगे चिकन पॉपकॉर्न का, और ये देखिए, आहा, मस्त धुआं निकल रहा है इसमें से। और ये चिकन भी अच्छी तरीके से गल गई है, देख सकते हो आप लोग, देखिए। और इसमें जो मैंने पेरी पेरी मसाला डाली हूँ, इसमें से और अच्छा स्वाद आएगा इसका। तो चलो फिर टेस्ट करते हैं। तो गाइज अभी मैं इसे टेस्ट करके बताती हूँ। देखिए कैसे क्रिस्पीनेस भी आ गया है इसमें, मैंने आपको इसे एक पीस को तोड़ के बताई थी। इसे क्रिस्पीनेस बहुत टेस्टी लगता है, तो हम इसे करते हैं अभी टेस्ट। बहुत ही टेस्टी और क्रिस्पी बनाया है। और जो मैंने इसमें पेरी पेरी मसाला डाली हूँ ना, तो उससे तो और भी अच्छा टेस्ट आ रहा है। तो आप भी डालिए, ऐसे बनाइए और खाइए, और घर में सबको खिलाइए। और ये जो मैंने स्ट्रिप्स बनाई थी उसमें और इसमें बहुत डिफरेंट है। उसे मैंने रेड चिली पाउडर से बनाई थी, और ये मैंने ग्रीन चिली पेस्ट से बनाई हूँ। तो आप ऐसे अल्टरनेट भी कर सकते हो, उसको इसमें इसमें उसको ऐसे बना सकते हो, बहुत टेस्टी बनेगा। ओके, तो चलो फिर इस व्लॉग को मैं यहीं पर एंड करती हूँ। आप हमें हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और हमारे चैनल पर आते रहिएगा। और हमारा अकाउंट भी है इंस्टाग्राम पे सास बहू की ज़िंदगी के नाम से, तो आप हमें वहाँ पे भी फॉलो कीजिएगा, ठीक है। और लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। और मम्मी देखिए मैंने आज क्या बनाई हूँ, आप देख के ही टेस्ट कर लीजिए। मिस यू। तो चलो फिर आती हूँ एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।